मैं हूं शाहिद, मुंबई से। सुबह के 9:30 बजे हैं, रवानगी है इलाहाबाद की। वीडियो सैनी तक आप देख पाएंगे। दाईं तरफ है लल्लू मियाँ की कोठी और इसी नाम से ये एरिया मशहूर है। है तो पनी मोहल्ला और चौक स्टेशन रोड बोलते हैं इसको, चौक स्टेशन रोड। सामने है वर्मा चौराहा, कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में एक वर्मा डॉक्टर होता था, उसी के नाम से इस चौराहा का नाम पड़ा है। ये है बांदा सागर रोड, दाईं तरफ बांदा और बाईं तरफ बस अड्डे है जीटी रोड। फकीरन टोला कहलाता है ये एरिया, है पीरनपुर। पीरनपुर में भी छोटे छोटे से मोहल्ले हैं। ये पूरा पीरनपुर है, दाईं तरफ पीरनपुर और बाईं तरफ पनी मोहल्ला। और फिर यहाँ पे बहुत सारे इलाके हैं छोटे छोटे, बहुत से नामों के साथ। दाईं तरफ रोड चली गई है ज्वालागंज की और बाईं तरफ वाली रोड है बस अड्डे की। हालांकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है दोनों में आके। सामने बस अड्डा है सरकारी बसों का, रोडवेज। ये बस अड्डा है रोडवेज और सर्कल के पास से शुरू होता है। सामने सर्कल नज़र आ रहा है ना, इसको क्रॉस करते ही शांति नगर शुरू हो जाता है और शांति नगर से जुड़ा हुआ ज्वालागंज है शांति नगर के आगे। इस लड़के ने बड़ा ख़तरनाक काम किया है, अचानक सामने आ गया, फुल ब्रेक मारना पड़ा। 18-20 साल के लड़के हैं, बल्कि 17 साल का ही होएगा ये। ये एरिया है लोधीपुर। लोधीपुर में बाईपास टच होता है। जिस रोड पे हम चल रहे हैं ये पुराना जीटी रोड है और सामने बाईपास हाईवे। में पिछले कई सालों से काम चल रहा है हाईवे। एक तो चौड़ा किया जा रहा है, दूसरा ये कि जितनी भी क्रॉसिंग है वहाँ पे ब्रिज बनाया जा रहा है। जिस तरह इंदौर और झांसी हाईवे पे ब्रिज बने हुए हैं, जितने भी गांव हैं उस पर ब्रिज पे निकाल दिया हाईवे को, इसलिए स्पीड स्लो नहीं होती है। ये भी ऐसे ही है, लेकिन जब तक बन नहीं जाता पूरा बड़ी दिक्कत होती है।
बाई तरफ हाजीपुर छीता है, नई कॉलोनी बन रही है, सिटी के अंदर है। ये बड़ा पुल है, नीचे पहले ही बड़ा पुल था, ये जो अभी नया हाईवे बना है इसकी वजह से नहीं, बाईपास नहीं था उस वक्त भी। जीटी रोड में एक पुल था और बड़ा पुल नाम से मशहूर था, और आज भी ये बड़ा पुल नाम से ही मशहूर है। हालांकि वो पुल ख़त्म हो गया, लेकिन एरिया का नाम ही बड़ा पुल है। दाई तरफ हसुआ गांव है। ये वही हसुआ है जहाँ पे मैंने दिखाया था रानी तालाब, इसकी भी क्रॉसिंग दी है दाई तरफ से।
I'm standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet, the lips are dry, and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold hand. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh, oh. But if there's nothing left to cry for, then I will just crack a smile. Oh, oh. I had a million different things to do, and every one of them included you. We had a million different things to do. What can I say? Well, I've been lonely too. On my own, the sheets are covered in your scent. Really tried to fall asleep, but I can't understand. Though we both felt kind of lonely, I still always thought you loved me. When I tried to let it go, the sheets are covered in your scent. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh, oh. But if there's nothing left to cry, then I will just crack a smile. Oh. ये खागा है, खागा आ चुका है। यहाँ से लेफ्ट टर्न मारेंगे चौकी और बहरा और नौबस्ता के लिए, और हदगाम के लिए भी यही रास्ता है। खागा काफ़ी बड़ा है और इसके जो भी आसपास के गांव हैं वो भी खागा में ही आते हैं, जैसे कि दाईं तरफ है बहादुरपुर और बाईं तरफ है खुजरही, ये सब रोड पे आके बस गए हैं। ये पूरा गांव, दो गांव दाएं बाएं वाले वो पूरे आके बस गए हैं एक्सप्रेस हाईवे पे, जीटी रोड पे। ये जीटी रोड है। If it was never what you wanted, we've been lying from the start. Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold hand. ये है कटोघन, और यहाँ पे जो टोल प्लाज़ा है वो कटोघन टोल प्लाज़ा नाम से है। कटोघन गांव का नाम होएगा।
ये अजूबा है, अजूबा काफ़ी बड़ा है, शायद कस्बा है, ज़िला कौसम्बी है, खाका के बाद ज़िला कौसम्बी शुरू हो जाता है। वो तो खाका को भी समेटा था कौसम्बी में शामिल करने के लिए, बच गया, एहतजाज किया था खाका वालों ने और बचा लिया उसको फतेहपुर में। अजूबा ज़िला कौसम्बी में है। ये अठसराएँ हैं, ज़िला कौसम्बी, अठसराएँ। सैनी आ चुका है और यहाँ से लेफ्ट साइड में एक रोड गई है कड़े के लिए, कड़ा, और दाईं तरफ मंजनपुर गई है रोड। अगर कराली जाना है, मंजनपुर कराली, तो यही रोड है, यहीं से टर्न मारना पड़ेगा। काफ़ी बड़ा सर्कल है, यहाँ पे ब्रिज बन रहा है। आगे सैनी बस स्टॉप है, बस अड्डा, यहाँ पे स्टॉप लूँगा, उसके बाद अगली जर्नी शुरू करूंगा इलाहाबाद के लिए, वो अगले वीडियो में दिखाऊंगा, सैनी से इलाहाबाद। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.